Hello everyone, I am Sheila Gupta. Today I am going to teach class 6 civics chapter 1 understanding the diversity. Student, इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले के वीडियोस में मैंने आप लोगों को डाइवर्सिटी किसे कहते हैं वो बताया था. देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने यहाँ पे देखा जाए तो रिलीजन के लोग रहते हैं, आपस में कितनी यूनिटी है, ठीक है, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, कैसे रहते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दिया था. उसके अलावा मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताने को कहा था, लद्दाख और केरला के बारे में, जो कि आपके बुक में है. तो लद्दाख का जो है टॉपिक वो मैंने आप लोगों को कल के वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था. आज का जो हमारा वीडियो होगा वो केरला पे रहेगा. क्यों हम ये दो ही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं? रीज़न ये है कि लद्दाख जो है वो उत्तरी साइड में है, पूरा बर्फ है, ठीक है, बट केरला जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर है और ये दक्षिण साइड में है. तो हम दो चीज़ों को करके क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले केरला, ठीक है. टॉपिक की हमारी होगी केरला स्टडी, ठीक है. इट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है. ये भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित है. कोस्ट में क्या होता है? तट, ठीक है ना, तट. तो केरला कहाँ है? भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है और इसे क्या कहा जाता है? हर स्टेट का कुछ ऐसा यूनिक नेम होता है जो कि बुलाया जाता है. तो इसे क्या बुलाया जाता है? स्टेट ऑफ बैक वाटर, ठीक है. केरला को जो है स्टेट ऑफ बैक वाटर करके भी बुलाया जाता है, ठीक है. इसके अलावा केरला का एक मलयालम शब्द है केरा प्लस आलम, जिसमें केरा का मतलब होता है कोकोनट पाम और आलम का मतलब होता है प्लेस, स्थान, मेज, जहां पे नारियल या कोकोनट की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है वही क्या होता है? केरला, ठीक है. तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आप मैंने आपको जब इसके पहले के वीडियो से पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था कि केरला में जो है हर चीज़ को क्या करते हैं, खाने में हो गया चाहे किसी भी चीज़, हर चीज़ जो खाना बनाते हैं ना उसमें कोकोनट डालते हैं, गरी हर चीज़ में, वो भी कैसी कच्ची गरी होती है उनकी, मीन चटनी भी बनाएंगे, चावल में भी गरी डालेंगे, दाल में भी गरी डालेंगे, यहाँ तक कि नॉन वेज कुछ बनाएंगे तो उसमें भी गरी डालेंगे, ठीक. अब ऐसा नहीं कि चाय में गरी डालें, चाय में नहीं डालते, बट बेसिकली वो जितनी चीज़ें बनाते हैं अपने खाने के लिए ना उस सब में वो कोकोनट का यूज़ करते हैं, ठीक है. तो आप लोग पास बुक होगा, बुक ओपन कर लीजिए, उसको मैं रीड करूंगी और उसको एक एक लाइन जो है मैं आपको डिस्कस करूंगी. तो केरला इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, मैंने बताई दिया है कि दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है. इसे क्या कहकर बुलाया जाता है? बैक वाटर. द स्टेट कवर्स एन एरिया ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर अलोंग द 5590 किलोमीटर सन ट्रेस्ड फॉर्म वास्ट कोस्ट लाइन ऑफ अरेबियन सी, मीन्स ये अरेबियन सी से जो है क्या है काफ़ी ज़्यादा टच में, मतलब इसके एक साइड क्या है अरब सागर है. द स्टेट ऑफ केरला डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मलयालम वर्ड केरा मीनिंग द कोकोनट पाम एंड आलम मीनिंग द प्लेस, जैसे मैंने आपको बताया ना मलयालम के दो वर्ड से मिला है केरला और आलम, जिसमें केरा का मतलब क्या है? कोकोनट पाम और आलम का मतलब क्या होता है? द प्लेस, ठीक. अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल फीचर द स्टेट कैन बी डिवाइडेड इन टू हिल्स एंड वैलीज मिडलैंड प्लेन्स एंड कोस्टल बेल्ट. देखिए केरला जो है बेसिकली इसमें क्या है, अगर इसमें जियोग्राफिकल देखा जाए तो इसमें पर्वत है, पर्वत में क्या हिल्स, देखिए पर्वत अलग होते हैं, हिल्स मतलब क्या होता है जो छोटे छोटे पर्वत ऐसे सिकते हैं ना, बट हिल्स क्या होते हैं ऐसे, ठीक, यानी बहुत छोटे छोटे, जैसे ऐसा भी ठंडा होता है यहाँ पे एक हाई स्टेशन की तरह होता है, हिल स्टेशन जिसको कहते हैं उस टाइप के होते हैं, घाटियाँ यहाँ पे हैं और मिडलैंड्स हैं, जमीन मतलब पूरी तरह से प्लेन नहीं है, थोड़ा सा ऊपर नीचे लिए हुए हैं, ठीक है ना, एंड कोस्टल बेल्ट. देयर आर 41 वेस्ट फ्लोइंग
फ्लोइंग बिग एंड स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग, यहाँ पे लगभग 41 के लगभग रिवर्स क्या करती है, फ्लो करती है। थ्री ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी ओरिजिनेट इन द केरला। अच्छा, ट्रिब्यूटरीज मतलब क्या होता है, जहाँ पे तीन नदियों का संगम हो, ठीक है ना। जैसे हमारे प्रयागराज में ना गंगा यमुना सरस्वती मिलती है ना, तो ऐसे यहाँ पर क्या है कि कावेरी नदी जो है तीन नदियों का संगम है। इनके फ्लो ईस्ट टूवर्ड्स नेबरिंग स्टेट। कोची इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ केरला। देखिए कोची जो है वो केरला का कमर्शियल मतलब होता है व्यापारिक केंद्र, जहाँ से व्यापार अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, व्यापारिक केंद्र है। और इसी वजह से इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी कहते हैं, यानी कि इसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। किसे, कोची को, केरला को नहीं, केरला में कोची है, ठीक है। बट कोची जो यहाँ पर व्यापारिक केंद्र है, मतलब क्योंकि यहाँ पर तट है, सब पानी पानी बहुत ज़्यादा है, तो बड़ी बड़ी जो शिप्स होते हैं ना, जहाज है बड़ी बड़ी, वो जो ट्रेडर्स करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी पे करते हैं, तो तट टाइप का है, यहाँ पर बंदरगाह है, यहीं से क्या होती है, समुद्री व्यापार किए जाते हैं, जिसकी वजह से इसे क्या कहा जाता है, अरब सागर की रानी। आगे देयर द एरिया अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन केरला इज अबाउट 74%। केरला इज अ मेजर प्रोड्यूस ऑफ कोकोनट, रबर, पेपर, कॉडेमॉन, कोकोवा, कैश्यू, एरियोनट, सुगर क्रेन, कॉफी, टी, जिंजर, नटमग, सिनोम, क्लोव्स। देखिए यहाँ पे लगभग 70% पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो ग्रेन का नहीं होता है, अनाज का प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ जो बेसिकली प्रोडक्ट होता है वो रबर, ठीक है। कोकोनट तो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उसका तो छोड़ ही दीजिए, वो तो है ही केरला में, बट उसके अलावा रबर, रबर कौन से, जो बालों में लगाते हैं, जो आप इरेज करते हैं, बहुत सा रबर खाने में यूज होता है, तो गोल रबर नहीं, ठीक है। वो हुआ, काजू हुआ, ठीक है, धनिया हुआ, लौंग हुआ, जिंजर हुआ, वैसे जो मसाले कह लीजिए, अगर एक पूरे फॉर्म में कहा जाए तो मसाले, ठीक है ना। पेपर, पेपर जिसका क्या होता है, काली मिर्च, काली मिर्च सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। काजू के लिए फर्स्ट पोजीशन लगता है, फर्स्ट नंबर पे ये काजू यहाँ होता है, ठीक है। केला, केला बहुत होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अच्छे मात्रा में क्या होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं। मसाले, स्पाइसेस की तो ये गढ़ कही जाए, डालते हो, लौंग डालते हो, काली मिर्च डालते हो, गोल मिर्च डालते हो, जीरा डालते हो, जिंजर डालते हो, हल्दी डालते हो, डालते हो ना, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली कहाँ से तो मात्रा पाई जाती हैं, केरला पाई जाती हैं। आगे इन द एंशियंट टाइम केरला वाज वेरी पॉपुलर अमंग द ट्रेडर्स ड्यू टू द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस। इट इज सेड द जेविश एंड अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम हियर। द Apostle of Christ, St. Thomas, is believed to have come nearly 2000 years ago. He brought Christianity to Kerala. ठीक है, अब इनका अब क्या बोल रहा है कि जो केरला है ये जो पहले से ही मसालों के व्यापार का केंद्र रहा है, और यहाँ पे लगभग 2000 साल पहले सेंट थॉमस आए थे, जो कि एक प्रकार के क्या थे, एपोस्टल क्राइस्ट थे, और इन्होंने यहाँ पे आके क्या की, क्रिश्चियनिटी की स्थापना की। केरला हमारे देश का भले, बट यहाँ पे जो है हिंदू तो नहीं है, यहाँ पे क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन अरब ट्रैवलर इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया इन 1733। इब्न बतूता जो है यहाँ पर आता है, यहाँ पे क्या करता है, रुकता है। ही रोट अ ट्रैवलेज इन विच ही डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम्स हु रोट इन द हाईली रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी एट द टाइम द पुर्तगीज डिस्कवर द सी रूट ऑफ द इंडिया फ्रॉम यूरोप एंड वास्को डी गामा लैंडेड विद द शिप ऑफ द केरला। देखिए यहाँ पे क्रिश्चियन और प्लस मुस्लिम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इब्न बतूता जो है यहाँ पे एक ट्रैवलर के रूप में आता है, यहाँ पे रुके, यहाँ की जो मुस्लिम समाज की चीज़ें हैं वो लिखता है। वास्को डी गामा जब आते हैं तो कालीकट जो थे वो यहाँ पर ही है, वो खोज करते हैं और एक नया देश के नाम से बताते हैं। उसके अलावा हम बात करें, केरला कंट्रीब्यूटर्स मेजर शेयर फॉर सी फिश प्रोडक्शन। द फिशिंग नेट यूज इन, देखिए केरला जो है मेन रूप से जो है फिश का प्रोडक्ट भी करता है, ठीक है, जिसको इसमें क्या कहा जाता है, छिनछत्ती, ठीक है ना।
चीना चट्टी. इन दिस वर्ड द यूज फॉर चाइनीज मीन्स, ठीक है, इसका जो मेन वर्ड जो निकल के आता है वो चीन से निकल के आता है, चाइना ऐसा विश्वास करता है. आगे, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल आर आइडियल ऑफ पैडी कल्टिवेशन, सो राइस इज ए इम्पॉर्टेंट फूड एंड जैक फूड. ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, अगर कल्टिवेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे राइस अच्छी खासी मात्रा में होता है यहाँ, इसलिए लोग खाने में क्या यूज करते हैं, मच्छी चावल होता है ना पश्चिम बंगाल का, तो है बस यहाँ पे मच्छी चावल सबसे ज़्यादा खाते हैं यहाँ के लोग. वेजिटेबल भी होता है, वेजिटेबल भी यूज करते हैं. केरला इज द होम ऑफ मेनी कलरफुल फेस्टिवल, यहाँ पे बहुत से त्यौहार मनाए जाते हैं. ठीक, मोस्ट ऑफ देम अवर रिलीजन फेवर इंस्पायर्ड बाय हिंदू मिथोलॉजी, हाउ एवर पीपल ऑफ द केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन सच एज इस्लाम, जुडिज्म, बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियनिटी. मतलब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे मुस्लिम हो, जैन हो, हिंदू तो है ही, बुद्धिज्म हो. और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा त्यौहार, सबसे फेमस त्यौहार जो वो कौन सा त्यौहार है, ओणम, ठीक है ना, ओणम, ओणम त्यौहार जो है सबसे फेमस त्यौहार है. ठीक है, आगे, द वाल्मीकि एंड स्नैक बोर्ड राइस इज टाइपिकल ऑफ केरला. केरला में वाल्मीकि महोत्सव मनाया जाता है, और आप लोग देखते होंगे कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी बोट होती है ना, नावें होती है, उसको ऐसे ऐसे करके चलाते हैं, वो प्रतियोगिता, खेल प्रतियोगिता वो भी यहाँ पे होता है. ठीक है, तो हम लोगों ने मेन मेन क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा केरला के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा लद्दाख के बारे में. तो ये, और हमने इसमें क्या चीज़ें पढ़ी, मेन दो कम्युनिटी के बारे में पढ़ा कि लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान क्या है, वहाँ पे क्या चीज़ें उगाई जाती हैं, उसमें वो लोग क्या खाते पीते हैं, किस तरह से अपना कम्युनिटी की ग्रोथमेंट करते हैं. उसके बाद हम लोगों ने केरला के बारे में पढ़ा कि केरला में किस तरह से चीज़ें होती हैं. तो आई होप आप लोग आज का वीडियो समझ में आ गया होगा. तो हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, केरला के बारे में, कि केरला में कैसे, कहाँ पर लोकेशन है, हाँ इसके तो बैक वाटर क्या है, केरला में क्या होता है, तालम क्या होता है, ठीक है, कि कौन सा ऐसा जगह है जहाँ जिसे क्वीन ऑफ आइलैंड्स कहा जाता है. ठीक है, तो आज की वीडियो बस इतना ही. जो कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी कि विभिन्नता में एकता लिए हुए हम कैसे हैं, किसी का खान पान कुछ है, पहनना ओढ़ना बोली भाषा कुछ है, किसी का कुछ है, जैसे लद्दाख के लोग तिब्बतियन बोलते हैं, केरला के लोग मलयालम बोलते हैं, हम लोग हिंदी बोलते हैं, सबकी भाषाएं अलग हैं, फिर भी सब क्या है, एक है. कैसे सब एक है, ठीक है, ये टॉपिक हम आपका नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के